हेलो फ्रेंड्स, मैं अनप्रिया, वेलकम टू माय देसी कुकिंग, ईट देसी ईट हेल्दी में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आप कैसे हो? आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही कम तेल में लौकी का मुठिया, जो कि आप खाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये गुजराती डिश है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या पड़ता है और कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स लौकी मुठिया हम जो बनाने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री पड़ती है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च और अदरक लिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच जो हल्दी पाउडर लिया है और ये नमक जो है मैंने टेस्ट अनुसार लिया है। और यहाँ पे मैंने हाफ जो है नींबू का जूस मैंने निकाल लिया है। ये हरी मिर्च है मैंने, अरे हरा धनिया, इसको मैंने एकदम बारीक काट लिया है धो के, और 3 से 4 चम्मच है। और यहाँ पे मैंने एक चम्मच जो है जीरा लिया है खड़ा, ये मैंने एक छोटा चम्मच जो है बहुत थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा लिया है। और यहाँ पे जो है मैंने हींग लिया है, ये मैंने आधा कटोरी जो है मैंने लिया है बेसन, आधा कटोरी जो है मैंने सूजी लिया है और आधा कटोरी गेहूं का आटा है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पे मैंने ये लिया है देखो पानी है, और यहाँ पे मैंने लौकी जो है 1.5 कप लिया है। तो लौकी का जो है मैंने क्या किया है, पहले छीला है, उसको कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद उसका जो पानी है वो फेंकना नहीं है हमको, उसी इस जो सामग्री है सब उसी में डाल के बनाना है। तो लौकी का पानी आप मत फेंकिएगा। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, आप जितना भी आप नाप लेना आटे का, उतना ही सूजी का और बेसन का लेना, आपका एकदम परफेक्ट बनेगा मुठिया। और यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा लिया है राई 1 चम्मच, ये 1 चम्मच ही मैंने तिल लिया है, और ये मैंने हरा धनिया लिया है, ये मैं जो है तड़का दूंगी उसके लिए लिया है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पे मैंने तेल लिया है, और उसके बाद जो है आपको मैं सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये स्टीमर वाला नहीं है आपके पास, तो हम लोग जैसे होता है ना आटा जिससे चालते हैं छन्नी होता है ना, तो वो छन्नी आप यूज कर सकते हैं, या मोमोज जिसपे बनाते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में छन्नी कोई भी है तो आप इसके ऊपर जो है पानी रख के, ऊपर से ये छन्नी रख के किसी भी बर्तन से आप ढक सकते हैं, वो भी पक जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग मुठिया बनाने के लिए पानी जो है गर्म कर लेते हैं। यहाँ 3 कप जो है मैंने पानी डाल दिया, और इसको जो है मैं अभी ढक दूंगी, और ये ढक के इसको जो है मैं एकदम जब तक उबाल नहीं आ जाएगा पानी में तब तक हम लोग इसको पकाएंगे पानी को। तो इधर का काम तो मेरा हो रहा है, फिर चलिए तब तक मैं आपको गठिया में कैसे बनाते हैं गठिये का आटा तैयार कर लेते हैं। हमने कद्दूकस कर लिया, इसका पानी जो है देखिए मैंने नहीं निकाला है, तो इसी में हम लोग जो है ये सूजी और ये बेसन और ये जो मैंने आटा लिया है गेहूं का वो मैं डाल दूंगी, जीरा डालूंगी, बेकिंग सोडा, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी पाउडर, नमक हम लोग टेस्ट के अनुसार डाल देते हैं, हरा धनिया और ये नींबू का जूस। और फ्रेंड्स इसको जो है हम लोग थोड़ा सा तेल डालेंगे, मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। तो मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें हींग भी डालूंगी, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको जो है हम लोग मिला लेंगे, ये बहुत हार्ड नहीं होता ना बहुत ज्यादा एकदम गीला होता है, ये थोड़ा बीच का होता है। मैं अभी आपको वो वाला पेस्ट बना के दिखाती हूँ कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऐसा होना चाहिए इसका आटा, मतलब हल्का हल्का हाथ में चिपकता है, बट अब अगर आप ऐसे देखिए मुठिया बनाएंगे तो थोड़ा चिपकेगा, अगर तेल लगा लेंगे वो भी नहीं चिपकेगा। मतलब मेरे पता नहीं कि आटा जो उसका वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा देखिए ऐसा। और मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने जो पानी रखा था वो एकदम बॉयल्ड हो गया है,
और यहाँ पे जो मैंने ये लिया है बर्तन, क्योंकि इसमें मैं मुठिया रखूँगी, तो इस पर अच्छे से तेल लगा लें, क्योंकि वो चिपकेगा नहीं तब आपका मुठिया। और ऐसे लगा के हम लोग जो है इसको इसके अंदर ऐसे रख देंगे, और ऐसे रखने के बाद हम लोग थोड़ा इसको ढक देंगे कि थोड़ा ये गर्म हो जाए और अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लगा के आप देखिए ऐसे बना बना के आप ऐसे रख लीजिए। इसको जो है थोड़ा सा दूरी दूरी पे रखेंगे क्योंकि ये फूलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको जो है हटाकर, अभी मेरा जो है मैंने इसको करने में पूरा 20 मिनट से ज़्यादा ही लग गया, अब 5 मिनट और भी अच्छे से पका लीजिए। और इसको एक चेक करने के लिए अच्छा है कि आप एक चाकू लीजिए और इसको जो है ऐसे डाल के देख लीजिए। देखिए ये मेरा नहीं लगा, मतलब ये हो गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस पर चाकू पे लग रहा है तो मतलब आपका जो है नहीं हुआ है, तो आप उसको 5 मिनट और पका लीजिए। और दूसरी बात है, इसमें जब आप मैंने पानी रखा है, अगर वो कम हो रहा है तो आप इसमें फिर से पानी डाल के उबाल के फिर उसको पकाइए, क्योंकि ये जब पकाते हैं तो उसमें पानी जो है थोड़ा लगता है, ठीक है। तो अभी देखिए ये सड़ भी नहीं रहा है। आप इसमें जितना आपका बड़ा हो छन्नी, आप उस हिसाब से इसमें डाल के देखिए, अगर कोई कोई नहीं हुआ है तो वो एकदम चिपक जाता है। बट ये कभी कभी क्या होता है, देखिए ये हो गया है बट चिपक रहा है, क्योंकि जैसे भाप में थोड़ा सा रहता है ना कि आप ऐसे उलट पुलट रहे हैं तो थोड़ा सा चिपकता है, बट वो हो गया है। देखिए अब देखिए हो गया है, आप इसे ऐसे करके एक प्लेट में निकाल लीजिए। अच्छा एक चीज़ मैं और दिखा देती हूँ आपको, एकदम ठंडा वाला दिखाती हूँ। देखिए ये जो है इसके अंदर डाल के, देखिए मैंने डाला और इसको जो है निकाल लिया, नहीं चिपका ना। तो थोड़ा भाप है इसलिए वो थोड़ा सा गीला रहता है, जब आप बाहर निकालोगे ना तो वो 5 मिनट बाद एकदम ठंडा होने के बाद वो एकदम सही से हो जाता है। देखिए अच्छे से कट रहा है, हो गया है, थोड़ा चिपकता है तो भाप का जो पानी रहता है तो थोड़ा रहता ही है, लेकिन बाहर निकालने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाता है। आप इसको ऐसे ही, थोड़ा सा स्पंजी होता है क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है, तो देखिए थोड़ा सा स्पंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो 3 से 4 चम्मच मैंने बताया था आपको तड़का के लिए, धनिया है हरा, और ये मैंने तिल लिया है, और ये जो है थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड दाना, मतलब सरसों का दाना लिया है। तो फ्रेंड्स इस और मैं आपको जो है फ्राई तड़का दूंगी, तो उसके लिए मैं बता दूं यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखा है, कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाला है, रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने, और यहाँ पे मैं सरसों जो है डाल दूंगी और कम कर दूंगी गैस को क्योंकि ये चटकता है। और इसके बाद जो है मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और ये तिल जो है वो डाल दूँगी, और धनिया डालने के बाद आप तिल डालिएगा क्योंकि चटकता बहुत है, इसलिए मैंने धनिया डाला उसके बाद तिल को डाला। इसको थोड़ा सा हम लोग भूनेंगे और बहुत ही स्पंजी लग रहा है, सच बता रहे हैं आपको। और एक बात है कि जो भाप हम लोग देते हैं उसको जो है थोड़ा पानी आप देते रहिएगा, ये चीज़ का ध्यान देना आप लोग। और इसके बाद देखिए ये मेरा जो तिल हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें जो है ये मैं डाल दूंगी, अब थोड़ा सा और सेक लेते हैं इसको, ये मैं डाल दूंगी इसमें। और इसको डालने के बाद हम लोग अच्छे से इसको मिला लेंगे और इसको जो है थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे, इसमें मतलब क्रिस्पी थोड़ा सा होगा, बहुत ज़्यादा कम तेल है, तो इसको अच्छे से मिला के थोड़ा सा बस सारे जो मैंने डाला था तिल और ये वो सब अच्छे से मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए हल्का हल्का मेरा हल्का सा गोल्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है, आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, हल्का हल्का सा ब्राउन, हल्का सा रेड, मतलब बहुत हल्का सा लग रहा है। तो बस आप गैस को जो है बंद कर दीजिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले।